मैं जगन्नाथ पुरी से आता हूं और आज मैं गर्व से यहां जय जगन्नाथ कहते हुए कहता हूं कि लोकतंत्र का जन्म जगन्नाथ धाम में ही हुआ। मैं बताऊंगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताऊंगा क्यों हुआ। लोकतंत्र का जन्मदाता जगन्नाथ धाम है। जगन्नाथ मंदिर ने कलिंग के समय लोकतंत्र स्थापित किया। कलिंग अंग भंग कलिंग कहा जाता है। कलिंग के नरेश, कलिंग के राजा, कलिंग के सब कुछ भगवान जगन्नाथ है। वो तो जगत के नाथ हैं, वो तो ब्रह्मांड के नाथ हैं, मगर कलिंग में हम मानते हैं कि हमारे सर्वे सर्वा नारायण स्वयं हैं, जगन्नाथ है। वो रत्न सिंहासन पर बैठते हैं, रत्न सिंहासन से कलिंग का आसन वो संभालते हैं। उनका प्रतिनिधि वहां के गजपति महाराज होते हैं। मगर आप देखिए सुंदरता, लोकतंत्र का जन्म कैसे होता है। जगन्नाथ महाराज भी, राजाधिराज जगन्नाथ, इस जगत के नाथ जगन्नाथ, रत्न सिंहासन को त्यज करके, त्याग करके साल में एक बार वो रथारूढ़ होते हैं। वो कहते हैं मैं गरीबों से मिलने जाऊंगा, उनके घर तक जाऊंगा, जो मेरे पास नहीं आ सकते हैं मैं उनसे मिलूंगा। यही लोकतंत्र है, यह प्रजातंत्र है। और जब रत्न सिंहासन त्याग करके, त्यज करके जगन्नाथ रथारूढ़ होते हैं, रथ पर आते हैं, तो गजपति महाराज, उड़ीसा के जो महाराज है, वो अपने हाथ में झाड़ू लेकर खुद जगन्नाथ के आगे झाड़ू चलाते हैं। उस दिन वो सफाई कर्मचारी बन जाते हैं और गर्व के साथ मैं उत्कड़ पुत्र उड़ीसा का निवासी कह सकता हूं। इसी कारण से उड़ीसा में जाति प्रथा नहीं है, क्योंकि हमारे राजा को झाड़ू पकड़ना पड़ता है। जगन्नाथ के सामने लोकतंत्र चलती है और लोकतंत्र की, जगन्नाथ की भूमि में राजा भी झाड़ू मारने के लिए बाध्य है, उसे छेरा पहरा कहते हैं। 7 तारीख को रथ यात्रा है, आप देखेंगे राजा स्वयं झाड़ू मार रहे होंगे और तभी जगन्नाथ आगे बढ़ेंगे। यह लोकतंत्र की महिमा है। जब तक सनातन है तब तक लोकतंत्र रहेगा भारतवर्ष में। जदि आपंक आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।